जो किसी एरिया को लोकेट करेगा वो मैप में डिजाइनिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, राइट वन यूज ऑफ मैप, मैप का कोई एक जो यूज होता है, ठीक है। मैप हेल्प अस टू नो द लोकेशन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ अर्थ, जैसे मान लो कोई हिल है तो उसके लोकेशन को, स्थिति को दिखाता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द थीमेटिक मैप, आपको थीमेटिक मैप के बारे में डिफिनेशन देना है। आंसर लिखेंगे, अ थीमेटिक मैप इज अ टाइप ऑफ मैप व्हिच फोकस ऑन ए स्पेशल टॉपिक सच एज रेनफॉल, मान लो कहीं रेनफॉल हो रहा है सिर्फ उसी बारे में यह बताएगा, तो वो थीमेटिक मैप के बारे में जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू मैप सिंबल्स रिप्रेजेंट। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट डू मैप सिंबल रिप्रेजेंट, मैप जो सिंबल उपयोग करता है उसका क्या उपयोग है, क्या बताता है वो। सो ए मैप सिंबल रिप्रेजेंट द रियल ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का रियल पोजिशन बताता है ऑफ द वर्ल्ड ऑन द मैप, यानी मैप में, वर्ल्ड के मैप में कोई भी चीज है उसको रियल पोजिशन बताता है, यह कहलाता है मेरा सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। फाइव में देखते हैं, इन विच कलर शुड वेजिटेशन बी शोन, वेजिटेशन वाले एरिया को कौन सा कलर दिखाएंगे, तो ग्रीन कलर दिखेंगे, वेजिटेशन शुड बी शोन बाय ग्रीन कलर। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो ज्यादा इसको मतलब एटलीस्ट 3 या 4 लाइन में लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ मैप, मैप का क्या उपयोग है, तो लिखेंगे आंसर में, मैप आर यूज टू गिव द लोकेशन ऑफ द प्लेस, मैप से पहले लोकेशन मिलेगा, अवेलेबल ऑन द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस पे जो कुछ भी है उसका आपको लोकेशन दिखाएगा, ये मैप का पहला कंडीशन, ठीक। इट ऑल्सो गिव द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस, दोनों प्लेस का वो दूरी बताएगा, इट कंपेयर द साइज एंड साइज ऑफ स्टेट एंड कंट्री, स्टेट का एरिया का वो कंपेयर करता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे कंट्री, उसके साइज को कंपेयर करके तुलना करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट कलर इन मैप, मैप में बहुत सारे कलर उपयोग करते हैं, रेड ब्लू ब्राउन ग्रीन, ठीक है, व्हाइट, तो उन कलर का क्या उपयोग होता है, एक एक करके इसमें लिखना होगा। आंसर लिखेंगे, द डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो द डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ, जैसे कि ब्राउन इज यूज्ड टू लोकेट द हिल एंड माउंटेन, ग्रीन यूज फॉर वेजिटेशन, यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ब्लू फॉर वाटर बॉडी, ओशन और ओशन और क्या बोलते हैं सीज लेक्स होगा, रिवर होगा, एंड व्हाइट फॉर नॉन वेजिटेशन एरिया, तो इसको लोकेट करने के लिए ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पता है हाउ डज ए स्केल हेल्प इन मैप रीडिंग, तो मैप को अगर रीडिंग करेंगे तो स्केल क्या हेल्प करेगा इसमें, स्केल मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो देखते हैं आंसर में, द स्केल ऑफ ए मैप टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड दोज ऑन द ग्राउंड, यानी कोई चीज अगर मैप में ड्रॉइंग किया है और जो ग्राउंड में एक्चुअली है उस पोजिशन से दोनों का डिस्टेंस का हम लोग एक रेशियो लेंगे जो आगे देखते हैं इसमें, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस ग्राउंड पे और मैप का जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उसका हम लोग रेशियो लेंगे। और इसमें देखेंगे आगे लिखते हैं क्या, ए मैप हैज ए स्केल इन रिलेशन सच एज, मान लीजिए कि 1:2, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में देखेंगे इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द मैप रिप्रेजेंट, ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो इस तरह मैप का हम एक रेशियो लेंगे मेजरमेंट में। थ्रू द स्केल डिस्टेंस ऑफ 2 प्लेसेस बी नोन इजीली, तो इस तरह 2 प्लेसेस का डिस्टेंस हम आराम से समझ सकते हैं, तो दीज आर द स्केल यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डिफाइन प्लान विद एग्जाम्पल, प्लान को डिफाइन करेंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे, तो प्लान क्या है, प्लान इज यूजुअली ए डिटेल डायग्राम और ए मैप ऑफ ए पार्ट ऑफ टाउन और द ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, मान लीजिए कहीं टाउन है किसी टाउन में, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग बना हुआ है, तो बिल्डिंग्स में जो भवन बने होंगे, ठीक है, उसका ग्रुपिंग क्या होगा, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो इसका, ठीक है, प्लान थ्रू एक डिजाइनिंग किया गया रहता है। सो इट प्रेजेंट द आउटलाइन ड्रॉइंग ऑफ ए बिल्डिंग्स, किसी बिल्डिंग का या कोई भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मॉडल ऑफ प्लान, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर घर का ऐसा मॉडल है तो उसका प्लानिंग किया गया है ऑफ ए कॉलोनी हाउस, जनरली कॉलोनी के लिए इसका उपयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिंबल फॉर फॉलोइंग, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज रेलवे के लिए, रिवर के लिए, चर्च के लिए, वेजिटेशन के लिए, तो स्टैंडर्ड गेज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रेलवे का ये लाइन आएगा जिसमें ये इसका पोजिशन रहता है ग्रुपिंग में ट्रैक का, रिवर के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, चर्च के लिए चर्च बना होगा छोटे सिंबल में, और ग्रीन वेजिटेबल वेजिटेशन दिखाने के लिए एक स्टार बॉक्स बनाएंगे और उसको पूरा फुली ग्रीन से ग्रीन कलर से उसको क्या करें हम लोग भर देंगे, तो ये ग्रीन कलर का पैच बताता है आपका वेजिटेशन। तो इस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 2 आज क्लास